आज हम देखेंगे प्रतिबिंब और सममिति के उदाहरण। नीचे दिए चित्र को वर्गांकित कागज पर बनाइए और दी रेखा के दूसरी तरफ इसका प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन बनाइए। कल्पना कीजिए कि एबी के स्थान पर यह एक दर्पण है। जैसा कि आप जानते हैं, दर्पण में वस्तु का दायां भाग बाएं और बायां भाग दाएं दिखाई देता है, लेकिन लंबाई और कोण बराबर ही होते हैं। हमारी सुविधा के लिए चलिए आकृति के विभिन्न बिंदुओं को नाम दें। यहाँ हम देखते हैं कि टी दर्पण रेखा पर ही है, तो बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ आएगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, इसका प्रतिबिंब दर्पण रेखा पर ही आएगा। चलिए इसे हम टी प्राइम से दर्शाएं। बिंदु पी दर्पण रेखा से 4 वर्ग दूर है और टी बिंदु से 2 वर्ग ऊपर है। ठीक इसी प्रकार हम दर्पण रेखा से दाईं ओर 4 वर्ग गिनेंगे और टी प्राइम से 2 वर्ग ऊपर पी प्राइम अंकित करेंगे। पी से 5 वर्ग नीचे क्यू है, इसलिए हम पी प्राइम से 5 वर्ग नीचे क्यू प्राइम दर्शाएंगे। इसी प्रकार हम आर का प्रतिबिंब आर प्राइम, एस का प्रतिबिंब एस प्राइम और टी का प्रतिबिंब टी प्राइम दर्शाएंगे। इन्हें क्रम से जोड़ने पर हमें दी आकृति का प्रतिबिंब पी प्राइम क्यू प्राइम आर प्राइम एस प्राइम टी प्राइम प्राप्त होगा। अगला उदाहरण, ज्योमेट्री इस शब्द में वे कौन से अक्षर हैं जिनका परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के बाद का रूप वास्तविक रूप के बराबर नहीं रहेगा। कल्पना कीजिए कि ज्योमेट्री इस शब्द को दर्पण के सामने रखा है। ऐसी स्थिति में हमें दायां भाग बाएं और बायां भाग दाएं दिखाई देता है। इसी को हम कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रमण यानी लैटरल इन्वर्जन। यहाँ हम देख सकते हैं कि परावर्तन के बाद भी ओ एम टी वाई इन अक्षरों के रूप में कोई भी बदलाव नजर नहीं आता, यानी कि इन सभी का आकार परावर्तन के बाद भी वास्तविक रूप के बराबर ही रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें जी ई ई आर इत्यादि अक्षरों की, तो इनका दायां भाग प्रतिबिंब में बाएं और बायां भाग प्रतिबिंब में दाएं दिखाई देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जी ई ई आर इन सभी का आकार परावर्तन के बाद वास्तविक रूप के बराबर नहीं रहेगा। तो आज हमने देखे प्रतिबिंब और सममिति के उदाहरण।